हेलो दोस्तों, इस वीडियो में बताने वाला हम लोग ये रूफ का जो ये शेप है हम लोग वन क्लिक में कैसे क्रिएट कर सकते हैं, सिर्फ वन क्लिक में, सिर्फ इस स्क्रिप्ट के जरिए। और ये स्क्रिप्ट हम लोग को मिलेगा कहाँ से, कैसे हम लोग ले सकते हैं, और ये वन क्लिक में कैसे ये क्रिएट करता है, अगर आपको ये जानना है तो ये वीडियो देखते रहिए और सीखते रहिए। pixany.com, यहाँ पर आपको मिलते हैं 3D Max मॉडल एंड टेक्सचर्स और भी बहुत कुछ। और भी ज़्यादा जानने के लिए आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक दिया हुआ है, वहाँ पर जाके आप विजिट कर सकते हो। ओके, रूफ़ का डिज़ाइन करने के लिए मैंने कुछ शेप बनाया हुआ, यहाँ पर आप देख सकते हो। रूफ़ का जो डिज़ाइन हम लोग को करना है काफ़ी इजी तरीके से हम लोग कैसे कर सकते हैं वो मैं बताऊँगा यहाँ पर। तो उसके लिए हम लोग को क्या करना पड़ेगा, एक स्क्रिप्ट डाउनलोड करनी पड़ेगी। वो स्क्रिप्ट का नाम क्या है मैं आपको दिखा दूँ, ये यहाँ पर देख सकते हो, ये स्क्रिप्ट का नाम है MW रूफिंग वर्जन 1.3 मार्क वेलन 3D मैक्स स्क्रिप्ट, ठीक है। तो इस स्क्रिप्ट को आपको डाउनलोड कैसे करना है, काफ़ी फ्री है, ऐसा कुछ नहीं है कि आपको चार्जेस देने पड़ेंगे। यहाँ पर बस आपको कुछ नहीं करना है, यहाँ पर क्लिक करना है। यहाँ पर जैसे आप क्लिक करो तो इधर पे एक नया विंडो ओपन होगा इस तरह से। तो आपको करना है क्या, आपको करना है इधर पे ऐड को करना है स्किप। स्किप पहले कर लेते हैं यहाँ पर, तो यहाँ पर मैंने स्किप कर लिया ऐड को। ऐड को स्किप करने के बाद यहाँ पर बोलेगा अलाउ करो ऊपर की तरफ, जब अलाउ करेंगे तभी जाके आपको वो डाउनलोड करके मिलेगा। तो इसको अलाउ कर देते हैं यहाँ पर हम लोग, ठीक है। अलाउ करने के बाद आपको देखो यहाँ पर देखो ये मिल जाएगा डाउनलोड के लिए गूगल ड्राइव का लिंक, इसको आपको कर देना है डाउनलोड पे क्लिक। तो जैसे ही आप डाउनलोड पे क्लिक करें यहाँ पर आपको आपका स्क्रिप्ट डाउनलोड करके मिल जाएगा। अभी अगर आपको जो अलाउ किया हुआ है उसको जो आपको बंद करना है तो उसके लिए कुछ नहीं है, आपको बस जाना है अपने टूल बार में, आपको जाना है अपने सेटिंग में। यहाँ पर सेटिंग में जैसे आप जाओगे नीचे की तरफ, इधर पर आएगा आपका साइट सेटिंग में जाना है, फिर नीचे की तरफ आपको आएगा नोटिफिकेशन से जो भी आपने अलाउ किया है, ये देखो लास्ट टू लास्ट जो अलाउ किया तो उसको मैं कर देता हूँ रिमूव, डन। तो ये हमारा काम हो गया, अब उसका कुछ भी प्रॉब्लम नहीं होगा, ठीक है। तो ये हमारा ये काम हो गया, इसको कर देते हैं क्लोज ये भी फाइल को। तो अभी हमको मिल गया अपने स्क्रिप्ट मिल गया, तो उसको कर लेते हैं शो। तो इसको हम लोग ये स्क्रिप्ट को यूज़ कैसे करेंगे ये हम लोग देखते हैं। अभी मैंने जो ये तभी शेप बनाया हूँ यहाँ पर देख सकते हो, प्रीवियसली मैंने ये सीलिंग का लाइट का वीडियो बनाया था, ये आपने देखा होगा। अगर आपने नहीं देखा है तो आप जाके देख लीजिए, उसका लिंक का वीडियो मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वो देख लीजिएगा, ठीक है। तो यहाँ पर अभी मैं इसको यहाँ पर कैसे ट्रैक करूँ, कैसे इंस्टॉल करूँ स्क्रिप्ट को, पहले तो स्क्रिप्ट को कर लेंगे कॉपी, जो हम लोगों ने डाउनलोड किया है यहाँ से कर लिया कॉपी। फिर हम लोग जाएंगे यहाँ पर मैक्स स्क्रिप्ट के अंदर क्लिक करते हैं, फिर इधर पर करते हैं रन। तो रन करते हैं तो इधर पर देखो इस तरह से मैंने कुछ स्क्रिप्ट यहाँ पर मैंने पेस्ट की हुई है, तो यहाँ पर कर देना पेस्ट। आपको भी जहाँ पर जो भी लोकेशन है वहाँ पर कर देना पेस्ट। फिर पेस्ट करने के बाद यस कर देना है, फिर करना है इधर पे इसको सेलेक्ट करके आपको करना है ओपन। ओपन करने के बाद फिर हम लोग को क्या होगा, इसके अंदर हम लोग को जाना पड़ेगा अपने कस्टमाइज यूज़र इंटरफेस के अंदर। फिर इधर पे हम लोग को सर्च करना पड़ेगा वो जो हम लोग का था रूफिंग वाला, ये सबसे पहले ऊपर की तरफ आ जाता है। ये देखिए स्क्रिप्ट नाम के एक कैटेगरी के अंदर, तो आपको यहाँ पर टूल बार में जाना है, स्क्रिप्ट नाम के कैटेगरी में जाना है, फिर इधर पर लेना है। फिर इधर पर एक नया एक बना सकते हो एक नया टूल, तो जैसा बना जाओ। अगर आपने ये सब बना कर रखा है टूल्स वगैरह ये सब स्क्रिप्ट का, तो आप कोई ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं हो, बस आपको ड्रैग करके वहाँ पर रख देना है। तो मैंने इधर पे एक एक्स्ट्रा बना दे रहा हूँ आपको दिखाने के लिए किस तरह से बनाते हैं। इधर बना दिया, फिर इधर पे मैं कर दिया इसको ड्रैग इधर पे इस तरह से, ठीक है। तो यहाँ पर मेरा ये हो गया स्क्रिप्ट इंस्टॉल पूरी तरह से। तो बस मुझे क्या करना है, अगर इसको अंदर अप्लाई करना है तो कैसे अप्लाई करेंगे, जैसे मैं फर्स्ट अप्लाई करके दिखाता हूँ, जैसे फर्स्ट लाइक दिस इसके ऊपर अप्लाई करके दिखाते हैं। मैं इसको क्लिक करता हूँ, ये देखो रन हो गया, ठीक है। इधर पे ये एंगल बता रहा है, क्रिएट बता रहा है, बस इतना सही इसमें ऑप्शन है, और कुछ ज़्यादा ऑप्शन नहीं है कि आपको कुछ ना कुछ इसमें तिकड़मबाजी करनी पड़ेगी, ऐसा कुछ नहीं। बस आपको एक ऑब्जेक्ट, जैसे कि ये शेप है, ये आपका छत है, छत का एक मैप है, ठीक है। तो आपका छत ऐसा कुछ है, ठीक है, उसके ऊपर मेरे को छत बनानी है, रूफिंग बनानी है। तो इधर पर करता हूँ क्रिएट, तो इधर पर देख सकते हो ये फट से ये बना दिया भाई, ये सब पूरा काम फट से कर दिया इसने। बस मैंने एक बार क्लिक किया क्रिएट पे तो पूरा काम ख़त्म कर दिया इसने। तो इधर पे ये एंगल किस लिए है, तो एंगल इसलिए है, एंगल से क्या है कि जो ये एंगल बन रहा है ना इधर पे 30 डिग्री, ये आपको दिखाता हूँ, ये तो 30 डिग्री बन रहा है, ठीक है। इसको हम लोग बढ़ा सकते हैं, अगर हम लोग को 80 डिग्री चाहिए या 45 डिग्री चाहिए तो उसके हिसाब से आप कर सकते हो। आपको 80 डिग्री चाहिए 45 डिग्री, तो यहाँ पर देखो अभी मैं यहाँ पर करता हूँ इसको, अगर मैं यहाँ पर किया, यहाँ पर करते हैं हम लोग 45 डिग्री, ठीक है। और 45 डिग्री करने के बाद फिर हम लोग क्रिएट करते हैं क्रिएट, देखो थोड़ा सा लंबा बन गया। तो अभी थोड़ा सा मैं इसको ऊपर की तरफ करता हूँ, थोड़ा मैं इसको शिफ्ट कर लेता हूँ, अलग से निकाल लेता हूँ, ये रहा इसको मैं अलग से निकाल दिया। फिर अभी यहाँ पर मैं एक और बार करता हूँ इसको, क्या करते हैं हम लोग इसको करते हैं 20 डिग्री, ठीक है 20 डिग्री करते हैं। फिर देखो चपटा बन गया,
ये होता है फटाफट वाला स्क्रिप्ट, बहुत ही फटाफट वाला स्क्रिप्ट है, ये आपके लिए अच्छा होगा। अभी और भी स्क्रिप्ट मैं बताऊंगा आने वाले और भी स्क्रिप्ट इसके अंदर। ये तो बस शेप बनाया अभी हमारे रूफ़ का शेप, इसके ऊपर जो रूफ़ के ऊपर जो अलग अलग जो होते हैं ऑब्जेक्ट्स वो उसको कैसे अप्लाई करते हैं उसके लिए भी एक स्क्रिप्ट है, वो भी स्क्रिप्ट के बारे में अगले आने वाले वीडियो में बताऊँगा। तो बस तो इस तरह से हम लोग को यूज़ करना है ये स्क्रिप्ट को, ये काफ़ी फ्री स्क्रिप्ट है, जाके ले लीजिए, आपके आने वाले वीडियो में बहुत ज़्यादा यूज़फुल होगा। अभी आने वाले वीडियो यानी कि आने वाले प्रोजेक्ट में भी, अगर आपका आने वाला प्रोजेक्ट इस तरह का है, रूफिंग करना है इसी तरीके से, जैसे कोई बॉक्स टाइप का ऐसे बिल्ड घर है तो उसके अंदर मेरे को रूफ़ बनाना है, तो मेरे को रूफ़ बनाना है कुछ थोड़ा छोटा सा बनाता है मैं, तो 35 काफ़ी रहेगा, 35 ठीक है। तो ये देखिए सही है, मस्त बन गया। तो बस तो अभी यहाँ पर ही इसको ख़त्म करते हैं, तो ये स्क्रिप्ट को जाके वहाँ पर लिंक पे जाके ले लीजिए, मैं वो लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, आप वहाँ से जाके आप ले सकते हो उसको आसानी से, जैसे मैं प्रोसेस बताया आपको, स्किप ऐड करना है और बाकी डाउनलोड पे क्लिक करना है बस। तो फिर अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड को शेयर कीजिए, ताकि वो भी जान सके हम लोग रूफिंग के लिए कौन सा स्क्रिप्ट काफ़ी ईजी कर सकता है हमारा काम, जो इतना हम लोग को शेप बनाने में काफ़ी टाइम लगता है, इसको इधर से खींचो, इसको इधर से खींचो, इसको इधर से खींचो, वो हमारा पूरा एकदम काम ईजी कर देता है ये एक अकेला स्क्रिप्ट। और अगर आपको 3D मॉडल चाहिए अच्छी क्वालिटी वाले, तो आप pixany.com पे जाके विजिट कर सकते हो, वहाँ पर आपको लोएस्ट प्राइस पे अच्छी क्वालिटी के 3D मॉडल्स मिल जाते हैं और टेक्सचर के साथ में, कोई टेक्सचर मिसिंग नहीं। इस तरह की और भी वीडियो देखना चाहते हैं आप लोग, तो फिर मेरे चैनल सब्सक्राइब कीजिए और उसके बाजू के बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा, ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद, वंदे मातरम।